अगली खबर आपको बता दें सेफई से, जहां पैतृक गांव में मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार होगा। मेला ग्राउंड में मुलायम सिंह की पार्थिव देह रखी गई है। नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। 20,000 से ज्यादा लोग सेफई पहुंचे हैं। दोपहर 3 बजे तक आम लोग दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद नेताजी का अंतिम संस्कार होगा। कई VIP के पहुंचने की भी खबरें हैं। कल यानी 10 तारीख को सुबह उनके निधन की खबर सामने आई थी और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए मेला ग्राउंड में उनका पार्थिव देह रखा गया है। तमाम कार्यकर्ता, तमाम आम लोग, पार्टी से जुड़े हुए सभी पहुंच रहे हैं। इश्फाक हमारे साथ बने हुए हैं। इश्फाक, नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए पैतृक गाँव सेफई में उनकी पार्थिव देह रखी गई है, जहाँ तमाम लोग उनके दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। जी बिल्कुल, कल जो है उनका पार्थिव शरीर जो है मेदांता अस्पताल से सेफई पहुंचा था। उस वक्त जो है उनका जो घर है वहां पर रखा गया था। अब जो है जो मेला ग्राउंड है, जो बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहां पर रखा गया है और VVIP और आम लोग और पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, तमाम लोग उनके दर्शन कर रहे हैं। एक जो है अंदाजा ये है कि उत्तर प्रदेश नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से जो समाजवाद से जुड़े हुए लोग हैं वो लगातार जो है सेफई पहुंच रहे हैं और उनके दर्शन कर रहे हैं। अगर आप बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी पहुंचने की खबर है। वहां SPG पहुंच चुकी, तैयारियां चल रही। इसके साथ ही रक्षा मंत्री भी पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के DC जो है, जो दोनों हैं वो निकल चुके, जो हमारे पास खबर है। और तमाम जो है अलग अलग प्रदेशों के, चाहे वो दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल हों, छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल हों, बिहार के CM नीतीश कुमार हों, तेलंगाना के CM KCR हों, पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी हों, तमाम लोग हैं जो धीरे धीरे जो है जिनका सफाई पहुंचना आपसे थोड़ी देर में शुरू होगा। और तमाम ये लोग जो है मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन करेंगे और इसके साथ ही कई पार्टियों के सांसद, विधायक भी वहां पहुंच रहे हैं और मुलायम सिंह यादव का अंतिम दर्शन कर रहे हैं। दरअसल मुलायम सिंह यादव की अपनी एक ऐसी शख्सियत थी कि जो तमाम दलों के नेता हैं वो उनसे जुड़े हुए थे। जो है राजनीतिक तौर पर भले विरोध रहा हो, लेकिन मुलायम सिंह ने जो है निजी, जिसको कहते हैं, कभी किसी से जो है विरोध नहीं किया, किसी का, किसी के खिलाफ कभी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जिससे उसको तकलीफ पहुंची। शायद यही वजह है कि देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग पार्टियों के लोग लगातार सेफई पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, इश्फाक, लगातार लोग वहां पहुंच रहे हैं और बड़े बड़े दिग्गजों के पहुंचने के भी यहां पे खबरें हैं। जैसे कि सुबह से ही लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आगमन यहां पर होने वाला है और उसके अलावा भी कई और नेताओं का, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ का भी पहुँचना होने वाला है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अलावा और भी कई नेता होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनको श्रद्धांजलि देंगे। कई अलग अलग लोगों का पहुंचना वहां पर हो रहा है। अगर हम सियासत की बात करें तो उन नेताओं में शुमार है जिनका आज भी हम देखें कि भले ही विरोधी पार्टियों से जुड़े हुए नेता हों या दूसरी पार्टी से जुड़े हुए नेता हों, इस दिन जब उन्हें अंतिम विदाई देनी है, उन तमाम गिले शिकवों को या फिर बयानबाजियों को, उन तमाम चीज़ों को या राजनीतिक रिश्तों को भी भुलाकर आज उन्हें उस शख्सियत को, उस शख्स को अंतिम विदाई देने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अश्फाक जी, दरअसल मुलायम सिंह यादव की शख्सियत के बारे में अगर आप बात करें तो भले वो राजनीतिक विरोध करते रहे हों खुल के, चाहे वो दूसरी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे BJP हो या दूसरी पार्टियां हो, लेकिन जब भी कभी किसी को जरूरत पड़ी, अगर निजी तौर पर जरूरत पड़ी, तो मुलायम सिंह यादव के बारे में ये कहा जाता था कि वो दोस्तों के दोस्त थे, यारों के यार थे। और बेहद जो, जैसे राजनाथ सिंह, अगर उत्तर प्रदेश रक्षा मंत्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं वो, उनसे उनका बहुत निजी संबंध था। और लालजी टंडन जो है, जो कि उम्र में तकरीबन बराबर थे मुलायम सिंह यादव के, लेकिन अपना बड़ा भाई मानते थे और सार्वजनिक मंचों पर भी वो उनका पैर छू लेते थे। तो कहीं ना कहीं ये शख्सियत ऐसी थी मुलायम सिंह की, जो अपनत्व था उनका वो बहुत बड़ा था। प्रमोद तिवारी हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, वो जब भी जाते थे तो कहते थे कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बड़े भाई से मिलने जा रहा हूँ, मुझे जब भी कोई जरूरत होती है, मुझे जब भी कोई शिकायत होती है, मैं सीधे मुलायम सिंह यादव जी से करता हूँ, और वो उस बात को गंभीरता से सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 5 दशक में जो एक सिरमौर जो नेता था, जो समाजवाद का नेता था, वो चला गया खाद। और दूसरी बात ये थी कि वो आम कार्यकर्ताओं के नेता थे।
कोई भी आम कार्यकर्ता उनको बुलाता था, उन्हें आवाज देता था, वो रुकते थे, उसकी सुनते थे, और अधिकारियों का जब वो पद पर रहते थे तो अधिकारियों को सख्त निर्देश देते थे। और सबसे बड़ी बात ये कि बाद में उस कार्यकर्ता के से जो है पार्टी कार्यालय से, अपने कार्यालय से फोन करवा के दरियाफ्त करते थे कि उसकी वो जो कंप्लेन थी, जो शिकायत थी, वो सुनी गई कि नहीं सुनी गई। तो इसलिए शायद आज जो है इतना जनसमूह जो है सफाई में मौजूद है, तमाम लोग अलग अलग रास्तों से जो है वहां पहुंच रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अशफाक, जानकारी देने के लिए। तमाम लोग वहां पहुंच रहे हैं नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए उनके, तमाम आम लोगों के लिए भी इस मेला ग्राउंड में लोगों के पहुंचने के लिए उनकी पार्थिव देह रखी गई है। तो तमाम कार्यकर्ता, नेता, आमजन उनके अंतिम दर्शन के लिए मेला ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं।